हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल किचन किन्सोमो। आज मैं लेके आई हूँ आपके लिए एकदम ही झटपट से इजी सी स्नैक रेसिपी। तो इसके लिए मैंने यहाँ पे लिया है आलू और इसको छीलकर मैंने लंबे लंबे फाकों में काट लिए हैं। अब इसे अच्छी तरीके से पानी से धो लेंगे। धोने के बाद इसका सारा पानी छान देंगे और गर्मा गर्म ऑयल में इसे फ्राई करेंगे। तक ये फ्राई हो रहे हैं तब तक आप वीडियो को लाइक कर दें, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट करें और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। मेरी रेसिपी आपको कैसी लगी ये कमेंट करके ज़रूर से ज़रूर बताएं। फ्राई करते टाइम इसमें डालेंगे हम थोड़ा सा नमक ताकि इसके अंदर भी अब्सॉर्ब हो जाए और इसे हम फ्राई कर लेंगे। फ्राई हो चुका है तो इसको निकाल लेंगे और इसे इस तरीके से कुछ भी चीज़ से इसे फ्लैट कर लेंगे और इस तरीके का ये हो जाएगा। और इसे एक बार फिर से हम गर्म ऑयल में फ्राई कर लेंगे और इसको गोल्डन ब्राउन होने तक, एकदम क्रिस्पी होने तक फ्राई कर लेंगे और निकाल लेंगे। अब यहाँ पे लिया है बॉल, इसमें हम डालेंगे सारे वो पोटैटोज और उसमें हम डालेंगे रेड चिल्ली पाउडर, ज़ीरा पाउडर, काली मिर्च पाउडर, चाट मसाला, ब्लैक सॉल्ट और सभी चीज़ों को अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। ये एकदम चटपटे से स्नैक रेडी है, इसे आप ऐसे भी खा सकते हैं। और इसी से मैंने एक और रेसिपी बनाई है तो चलिए उसे बनाते हैं। यहाँ पे मैं कुछ आलू ले रही हूँ और इसके ऊपर मैं डाल दे रही हूँ मीठी वाली दही। इसके ऊपर और आलू के स्लाइस डालेंगे और इसके ऊपर फिर से दही डालेंगे। यहाँ पे मैं टमाटो सॉस और चिली सॉस डाल रही हूँ। आपके पास जो भी चटनी अवेलेबल है वो आप डाल सकते हैं। पोटैटो चाट हो चुकी है रेडी, तो इन्जॉय करें और मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।